हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जे एडवांस 2024 का आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो और जितनी मेहनत आपने की हो वो आपको रैंक दिलाने में सफल हो और आप अच्छी से अच्छे आईआईटी में एडमिशन लें और अपने करियर को सफल बनाएं। आज हम जे एडवांस 2024 के फिज़िक्स के पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ अक्षय जैन, एक फिज़िक्स टीचर, और अगला कुछ समय अब आप मेरे साथ बिताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये आया है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। यहाँ पे पहली बार जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसा कि हमेशा आपसे बोला जाता है कि जे एडवांस के सवाल में सोचना ज़्यादा होता है और कैलकुलेशंस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि क्या क्या गिवन है और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, उन्होंने बोला रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन। तो पहली बात तो एक्स वाई प्लेन इन्होंने कुछ इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। ऑफ लेंथ एल हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन, और जो ये वाला रीजन है इसमें आप देख सकते हैं कि डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी तरफ आ रही है, जो बोर्ड का प्लेन है उससे बाहर आ रही है, स्क्रीन के प्लेन से बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये लेंथ इन्होंने एल हमको दे दी है Z डायरेक्शन में, अ कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर जो है दिस इज अनादर कंडक्टिंग लूप, अनादर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड बस इस रीजन में ही यहाँ पे प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बस यहीं पे प्रेजेंट है, और ये वाला जो लूप है दिस इज सम अदर लूप, ठीक। तो ये जो पॉइंट पी है, इनिशियली पॉइंट पी की लोकेशन में आपको दे दिया गया है कि इट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, और उन्होंने बोला कि जो कंडक्टिंग लूप है दैट इज ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इस लूप को नीचे पकड़ के ऐसे 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 करके खींचा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सवाल ने पूछा है कि वॉट विल बी द इंड्यूस डी एम एफ इन द लूप, बेसिकली उसका हमें ग्राफ निकालना है इंड्यूस डी एम एफ का एक्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सवाल पढ़ लिया है, अब मैं जो है पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ठीक। तो जब मैंने ऑप्शन चेक किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चार ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं, तो चारों ऑप्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस एक्स का ग्राफ यहाँ पे बन चुका है, राइट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट, ग्राफ यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो इस ग्राफ में एक्स के साथ वेरिएशन गिवन है, और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि चारों जो ग्राफ्स हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस या माइनस में दिमाग खराब नहीं करूँगा, भाई देखो हमें पता होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। तो मैं उसमें दिमाग खराब अपना नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखिए बच्चों क्या होगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ और नोटिस करो कि जो जीरो से एल तक का ग्राफ है वो सब में सेम आ रहा है, जीरो से एल तक का जो ग्राफ है बच्चों सब में सेम आ रहा है। मतलब मुझे जीरो से एल भी सॉल्व नहीं करना है, मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है कि एल के बाद टू एल तक क्या हो रहा होगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो ये जो कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, पहले तो क्या होगा कि दिस इज एक्स एक्सिस और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा देखिए कि जो लूप होगा, ठीक है, जो लूप होगा वो किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे कुछ इस तरीके से अंदर आ जाएगा, ठीक, किसी टाइम टी पे वो कुछ इस तरीके से अंदर आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस दिखेगा बच्चों आपको ये दिखेगा वी इंटू टी, ये दिखेगा वी इंटू टी, फ्लक्स निकालना है बेसिकली। फ्लक्स जब आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया बनेगा बस इतने ही एरिया में फ्लक्स जाएगा, और ये जो फ्लक्स का एरिया बन रहा है बच्चों इट विल बी एरिया ऑफ द रोम्बस, ये बनेगा, ठीक है, रोम्बस। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी फ्लक्स आएगा उसको क्या कर देना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर देना है, राइट। तो आप ये देखो कि रोम्बस का जो एरिया होगा, ये वाली जो लेंथ है वो वी टी के प्रोपोर्शनल होगी, और ये वाली लेंथ भी किसके प्रोपोर्शन में होगी, वी टी के प्रोपोर्शन में होगी, राइट। तो जो एरिया होगा, जो फ्लक्स होगा इनिशियल वाला, वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा, राइट। तो जो डी फाई बाई डी टी आप करेंगे, हमें तो बस मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, वो किसके प्रोपोर्शन में आएगा बेटा, टी के प्रोपोर्शन में आएगा, राइट। मैक्स टू मैक्स जब ये नीचे कहाँ तक जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो पॉइंट पी था वो मैग्नेटिक फील्ड के इस वाले पॉइंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक वो पहुँच गया, और ये पूरा जो लेंथ हो चुका है बच्चों, ये कितना हो चुका है, अब एल हो चुका है, ठीक। तो इतनी कहानी तो हमें समझ में आ गई है कि जो ग्राफ हमने देखा कि उसमें सब जगह लीनियर फंक्शन क्यों आ रहा था वो हमें समझ में आ गया,
ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे की। तो यहाँ पे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हमने बना दिया। और यहाँ पे अब आप देखिए जो लूप है अपना, जो लूप है वो कितना आगे आ चुका है, राइट। आई थिंक मैंने इसको उल्टा बना दिया है, वेट अ मिनट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, राइट, और यहाँ पे जो हम लूप बनाएंगे, जो लूप हम बनाएंगे वो लूप अब कुछ ऐसा हो चुका है, कुछ इस तरीके से लूप ये हो चुका है, ठीक है। तो अब जो फ्लक्स आप निकालना चाहेंगे वो फ्लक्स होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना है, राइट, ठीक है बच्चों, ये वाला एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। दिस इज़ द एरिया दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, L है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, वी टी माइनस एल, राइट, ये डिस्टेंस आ गया वी टी माइनस एल। अगर ये वी टी माइनस एल है तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि सिमेट्री से इधर भी उतना डिस्टेंस छूटेगा, तो ये बन जाएगा बच्चों वी टी माइनस एल, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाता भाई, यहाँ से तो ये हो गया एल, और ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ से कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम जो लूप है वो लूप कुछ ऐसा पहुंच जाएगा, ये जो लूप है बच्चों ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स से कितना खींच सकता है, मैक्स टू मैक्स से कितना खींच सकता है, ठीक है। तो अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्स टू मैक्स ही जाएगा 2L तक, और देखिए कि सारे जो ग्राफ है वो कहाँ तक गिवन है, आपको 2L तक ही गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, और इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लो, ठीक है। और अब आ जाएगा आपको फ्लक्स कि जो एक्स की लेंथ है, ठीक है, जो एक्स की लेंथ है कहाँ से कहाँ तक, 2L से लेके L तक। इस x की लेंथ में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि हम यहाँ से x चल चुके हैं, यहाँ से पूरा जो है ये कितना चल चुका है, x चल चुका है। तो जब आप ये वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इस वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बन जाएंगी, राइट, इस तरीके से बन जाएंगी। तो कैलकुलेशंस बनने के बाद जो एरिया आप लिखोगे वो कौन सा होगा, शेडेड एरिया, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, सिंपल सा है, कुछ खास बात नहीं है। एरिया ऑफ आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक, आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एंड अगेन इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। और फिर जैसे ही आपको एरिया मिलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बी इन टू ए, और फिर उसको क्या कर देंगे भाई यहीं पे डिफरेंशिएट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज क्या होगा, बस एरिया। और जब एरिया को आप चेंज करोगे तो आपने देखा कि जो एरिया हमें मिला है वो कुछ ऐसा आ रहा है, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। तो जब डिफरेंशिएट किया तो और उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो जीरो के इक्वल पुट करने से मुझे ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, एल बाई टू रूट थ्री वी, ठीक। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये समझ में आ गई, वो क्या आई कि जो वैल्यू यहाँ पे है कि भाई अपने को सारे जो ग्राफ्स हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, इसने कहाँ से एक्स एक्सिस को कट किया, या तो ये 3L/2 पे कट करेगा, ठीक, या फिर कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, 3L/2 पे, या फिर उसके पहले कट कर रहा है, ठीक है। और इसमें तो उन्होंने कहानी ही पूरी चेंज कर दी है, ठीक। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये L से 3L/2 पे ही कट करता है, और जितना अगर मुझे याद आ रहा है तो ये 4L/3 पे कट कर देता है, ठीक। तो 4L/3 पे अगर कट कर देगा तो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो रहा है 4L/3 पे, जो कि 3L/2 से ज़्यादा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और ग्राफ्स के बीच में पहले भी जेई मेन में, जेई एडवांस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये एक और क्वेश्चन था, तो वी वर नॉट सरप्राइज कि जब हमने इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है। थोड़ी बहुत हो सकता है सवाल लेंदी था, क्योंकि जब आप इसमें एरिया और टी की टर्म्स में लिखेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट माइट बी लिटिल बिट टाइम टेकिंग। बट जब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि स्टेप्स मुझे दिख गए हैं, तो आई थिंक अगर इस सवाल में 5 मिनट भी आप दे दें 3 नंबर के लिए, तो मेरे ख्याल से इट विल बी वर्थ इट, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम, ठीक। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि ये जो इन्होंने बोला है कि m इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल m, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे बाइनरी स्टार सिस्टम को कंसिडर नहीं करना है, और जो कैपिटल m होगा, दिस मास इज वेरी वेरी हैवी, ठीक है, दिस मास इज वेरी वेरी हैवी, दैट मीन्स ये मास जो है इट विल डेफिनेटली बी एट रेस्ट, ये मास जो है इट विल डेफिनेटली बी एट रेस्ट, ये पक्का हो गया, राइट? तो उन्होंने बोला कि टी नॉट का है, चलो पहली बात तो हो गई, तो पहली जो इक्वेशन है मैं सीधा सीधा इसमें क्या लिख दूंगा भाई, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ही अगर लगना है ना, तो GMM बाय रेडियस उतनी ही रखनी इनको, आर स्क्वायर, रेडियस आर नॉट इन्होंने बोल दिया है, ठीक, आर नॉट का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू m जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वी नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट। ये हमें जो है बच्चों पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। टाइम पीरियड भी अगर निकालना चाहें तो कुछ खास बात नहीं है, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। अब इन्होंने बोला कि एक नया हमने जो है फोर्स लगाया, पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने दे दी, एक नया फोर्स बोला कि m अल्फा r क्यूब का आपको फोर्स निकालना है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे दे दी गई है m अल्फा बाय r क्यूब, तो बहुत बच्चों ने यहाँ पे गलती की होगी प्लस माइनस की, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा बच्चों माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक नेगेटिव तो ये आया, ठीक है, फिर आपने लिखा m इंटू अल्फा, उस m इंटू अल्फा के बाद जो 1 बाय आर क्यूब है इसके डेरिवेटिव में एक और आएगा माइनस 3 बाय आर की पावर 4, ठीक है, ये आ गया है। एंड वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक आर कैप एक्स्ट्रा आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियल फोर्स, ठीक है। तो जो रेडियल फोर्स निकल के आया 3 m अल्फा अपॉन r की पावर 4, जैसे बच्चों रेडियल फोर्स निकल के आया, हमें ये पता चला कि ये फोर्स रेडियली इनवर्ड नहीं है, ये फोर्स रेडियली आउटवर्ड है, राइट? तो ये फोर्स रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल तो खींचने की कोशिश कर रहा है और ये वाला फोर्स उसको बाहर धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो हमें जो है पहली इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है। दूसरी इक्वेशन अब यहाँ पे लिख देते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी मेरे पास था वो अभी भी डोमिनेट करना चाहिए, राइट, और रेडियस उन्होंने उतनी ही रखी है, तो GMM बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पे इसको कर देंगे 3m अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 4, दिस इज इक्वल टू m, और इधर क्या करना है, ठीक, यहाँ पे जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं लेट्स से v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरओ, राइट। अब देखो कि t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t1 हमें सॉल्व करना है, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं लिखा, ये क्या लिखा है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस t0 बाय t1 का होल स्क्वायर, ठीक है, t0 माइनस t1 का होल स्क्वायर। और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड होता है 2πr0 बाय वी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है भाई, न्यूमरेटर सेम है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा कि v1 बाय v0 का होल स्क्वायर अपने को चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या बनाना है, v1 और v0 के होल स्क्वायर का कुछ ना कुछ मुझे काम करना है। GMM बाय r0 स्क्वायर मुझे ऑलरेडी पता है भाई, ये मुझे ऑलरेडी पता है, mv0 स्क्वायर बाय r0 होगा। तो इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा वहां से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, तो यहां पे उसको रिप्लेस कर देना, mv1 स्क्वायर बाय r0 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आने के बाद 3m अल्फा बाय r0 की पावर 4 उधर चल जाएगा, स्मॉल m हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास बस इक्वेशन में क्या बच रहा है, एक तो बचेगा v1 स्क्वायर और एक क्या बचेगा भाई, एक बचेगा v0 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट्स इट। सवाल यहीं पे जो है ख़त्म हो गया कि जैसे ये वाला जो आपने पार्ट है GMM बाई r0, ठीक, और ये b की जगह r कैप वगैरह होगा, ठीक है, एनीवेज इसको हटा भी दो। तो जब आप इसको यहाँ से चेक करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, चीज़ों को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपको जो फाइनल आंसर है बच्चों वो ये मिल जाएगा कि जो रेशियो आ रहा है दैट इज़ 3α अपॉन GM r0 का स्क्वायर, ठीक। तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है भाई, ठीक, सिंपल सवाल था, करने लायक सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल है एक्सरेज से। अ मेटल टारगेट विद एटॉमिक नंबर Z=46 इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं लिख लेता हूँ पहले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी बच्चों HC बाय लैम्बडा सी। लैम्बडा सी को एक कट ऑफ वेवलेंथ मैंने मान लिया है, क्योंकि जो आर रेशियो की वो बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ बोल दिया है, ठीक है, तो उस कट ऑफ वेवलेंथ को मैं लैम्बडा सी यहाँ पे बोल देता हूँ पहले ही, राइट।
फिर मुझे के अल्फा लिखनी है। अब बताइए यार के अल्फा कैसे लिखेंगे। देखिए तो 1/λ के अल्फा, ठीक है, सीधा सीधा जो है मॉडिफाइड बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लगा देंगे यहाँ पे, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड माइनस वन आता है के अल्फा के लिए, ठीक है, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू वन होती है तो जेड माइनस वन, तो ये हो जाएगा बच्चों 46 माइनस वन का स्क्वायर, और के अल्फा का ट्रांजिशन होता है 2 से 1 में, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो के अल्फा लिखा है इसको अपन एक और यहाँ पे के अल्फा होगा लैम्डा के अल्फा डैश, ठीक, ये किसके लिए आएगा भाई, ये आ जाएगा 41 वाले के लिए, तो 41 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू होगा ये तो वैसे भी सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों के अल्फा की ही हैं, तो इनको आप डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि लैम्डा डैश बाई के अल्फ़ा अपॉन लैम्डा बाई के अल्फ़ा, इसकी वैल्यू देखो ये इधर क्या है 46 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 45 का स्क्वायर, और नीचे 41 माइनस 1 बन जाएगा ये चीज़, ठीक है, ये आपको मिल गई है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो लैम्डा डैश के अल्फ़ा होगा, ठीक है, और जो लैम्डा के अल्फ़ा होगा बच्चों उसमें रिलेशन कितना आया, ये है कितना 9/8, तो ये आपको मिल गया है 9² / 8² ये है अपनी पहली इक्वेशन जो हमने दोनों कंपैरिजन करके लिख ली है, ठीक। दूसरा अब इनके आर रेशियो को लिखते हैं, तो इनका जो इनिशियल आर रेशियो था, इनिशियल जो आर रेशियो था वो कितना था, इनिशियल लैम्डा के अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा सी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी बच्चों 2 आ रही थी, बस सवाल हो गया यहाँ पे ख़त्म। जो हमें नया रेशियो निकालना है आर डैश, तो आर डैश बताइए कितना होगा, लैम्डा डैश के अल्फा, राइट, लैम्डा डैश के अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा सी, तो बोलो यार लैम्डा डैश के अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9² / 8², तो ये हो जाएगा 9² / 8² इंटू लैम्डा के अल्फा बाय लैम्डा सी, और वो तो ऑलरेडी कितना है बच्चों 2, ठीक, तो ये मिल गया भाई अपने को आंसर, तो ये हो जाएगा 81/64/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 32, तो 81/32 जो है 2 से 3 के बीच में होगा, और 2 से 3 के बीच में अपने पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक, और ये जो है 32 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 32 के 1.5 से भी ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इससे आप कौन सा आंसर मार्क कर देंगे, पॉइंट ए ऑप्शन को आप मार्क कर देंगे, ठीक है, एकदम ईजी सवाल था, ठीक है, एंड दैट्स इट, मतलब इस सवाल में कुछ खास बात नहीं थी, जो लैम्डा के अल्फा की डेफिनेशन है वही हमने सीधी सीधी यहाँ पे अप्लाई की, कुछ भी अलग से एडवांस लेवल का दिमाग यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है, ये सवाल भी डूएबल था। चलिए अगला सवाल, ये है अ थिन स्ट्रिप इंसुलेटेड मेटल वायर, तो देखिए सवाल बोलना क्या चाहता है कि एक लंबा सा मेटल वायर है, ठीक है, एक लंबा सा इस तरीके का एक मेटल वायर है, इन्होंने इसको क्या किया, ऐसे बेंड किया, ठीक, यहाँ से इसको बेंड किया और इसको करके फिर ऐसा कर दिया, समझ गए, एक लंबा सा मेटल वायर लिया उसको बीच में से उन्होंने सर्कुलर शेप में रखा और जो बाकी लाइन से उसको बेंड नहीं किया, उसको एज इट इज़ यू रखा है और उसको यहाँ पे दो सपोर्ट पे पी और क्यू पे से टांग दिया है, ठीक है, उसको इस तरीके से उन्होंने टांग दिया, राइट, तो ये वाला तो स्ट्रेट वायर हो गया और ये हो गया सर्कुलर वायर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने क्या बोला, द वायर लूप हैज मास m, मतलब जो स्ट्रेट पाथ है लूप का उसके मास के बारे में सवाल ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है, उसके बारे में सवाल ने कुछ नहीं बोला, बस क्या बोला, जो सर्कुलर पार्ट है उसका मास कितना है, उसका मास m है, राइट, और ये जो p और q आप देख रहे हैं ये जो सपोर्ट्स हैं ये एकदम स्मूथ हैं, सवाल ने बोल ही दिया है टर्न्स कंडक्टिंग सपोर्ट्स पी एन क्यू, राइट, बेंट इन टू विद टू एंड्स एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ लूप, द वायर हैज मास एम, रेडियस आर एंड इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स एट पी एंड क्यू, तो ये दोनों कंडक्टिंग सपोर्ट है पी एंड क्यू, राइट, व्हेन अ करंट आई इज पास थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन पी क्यू बाय एंगल थीटा, ठीक है, अब इन्होंने देखो फ्रिक्शन की बात की नहीं है तो स्मूथ भी इन्होंने कुछ बोला नहीं तो हम तो उसको बाय डिफॉल्ट स्मूथ ही मानेंगे, ठीक, और अब ये क्या होगा कि अब हम इसका बनाते हैं साइड व्यू, ठीक है, हम इसका बना रहे हैं बच्चों साइड व्यू, कि अगर मैं इसको यहाँ साइड से देखूंगा तो बेटा मुझे जो है ना ये लूप कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, इस तरफ से देख रहा हूँ तो मुझे ये लूप ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर mg फोर्स नीचे लग रहा होगा,
मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है राइट, और अगर आप में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट कुछ इस तरीके से फ्लो किया आई, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम वेक्टर वो कुछ इधर आ जाएगा राइट, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो बच्चों इधर है ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई ऊपर है ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एम क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, क्या लगा टॉर्क एम क्रॉस बी का, इस दिशा में टॉर्क लगा मतलब लूप के ऐसे जाने की टेंडेंसी है, लूप के किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है एंटी क्लॉकवाइज जाने की टेंडेंसी है ठीक, तो लूप जो है कुछ समय बाद उठ जाएगा ठीक, और लूप जो है बेटा इस तरीके से उठ गया, तो जैसे अगर ये मान लो थीटा एंगल से ये ऊपर उठ गया है तो ये एम वेक्टर होगा और ये बी वेक्टर होगा, तो अब दोनों के बीच में बताओ कितना एंगल हो जाएगा, अब इनके बीच में हो जाएगा 90 माइनस थीटा का, एम जी यहाँ पे लग रहा है और ये हो गई इसकी हिंज जैसा आप मान सकते हैं ठीक है, एम जी इधर लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई ये डिस्टेंस होगा स्मॉल आर राइट। तो अब यहाँ पे सवाल ने क्या पूछा है, क्योंकि इस तरीके के सवाल अपन वर्क पावर एनर्जी में भी करते हैं ठीक है, तो वैसे क्या सवाल होता है कि एकदम से अगर आपने इसको ऑन किया तो पहली बात तो जो है जैसे ही आपने इसको ऑन किया ये एकदम इसको भागने की कोशिश करेगा, भागेगा फिर ये एकदम ना ऑसिलेट करने लग जाएगा राइट, ये ऑसिलेट करने लग जाएगा ठीक है। अब आप सोचो कि सवाल की वर्डिंग्स को एक बार पढ़ लेते हैं वापस ठीक है, तो सवाल ने बोला द लूप टर्न्स अबाउट लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा, ये इसने बोल के छोड़ दिया, इसने मैक्सिमम एंगल थीटा नहीं बोला है, क्योंकि होगा क्या अगर आप एकदम से इसको करते और अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को, जो सपोर्ट पे फ्रिक्शन की बात नहीं हुई है, उस फ्रिक्शन को पहले मैंने क्या माना था, पहले मैंने माना था कि फ्रिक्शन क्या है नहीं है जीरो है, तो लूप आराम से ऐसे जाएगा और आइडियली क्या करना चाहिए था इस तरीके से ऑसिलेट करना चाहिए था, पर सवाल ने मैक्सिमम थीटा की बात नहीं की है, सवाल ने क्या बोला दैट अबाउट लाइन पी क्यू बाय एन एंगल थीटा, इसका मतलब ये है कि मान लो फ्रिक्शन होगा ऑसिलेशंस होंगी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी खर्च होगी और अल्टीमेटली जो है ये धीरे 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 रुकता रुकता किसी के एंगल थीटा पे सेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा ठीक है, थर्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका आ जाएगा। तो उस इक्विलिब्रियम को अगर आपने सॉल्व किया, उस इक्विलिब्रियम को आपने अगर बच्चों यहाँ पे सॉल्व किया ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा सीधा सीधा आपको टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क ऑफ एम जी को इक्वेट कर देना है ठीक है, तो सोचा आप स्टॉर को आप इक्वेट कर दो तो ये तो आ गया बी नॉट आई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, वे दोनों के बीच में एंगल जो भी है, इंटू एम जी साइन थीटा आर राइट, और ये आप जो है बड़े आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। तो टैन थीटा आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल गई है पाई आर बी नॉट आई बाई एम जी, और ये देखेंगे तो ऑप्शन ए में इसका आंसर करेक्ट आपको दिख जाएगा ठीक। पर अभी रुकिए, हम ये भी चलो चेक कर लेते हैं कि यार अगर फ्रिक्शन एबसेंट है तो जो एंगल थीटा हमने निकाला उसका डबल एंगल जा सकता है राइट, उसका डबल एंगल जा सकता है ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, पर जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो मैं पक्का मान के चलूंगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पक्की बात है कि जीरो हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल को आप इक्वेट कर दो, और आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखते हैं इसकी क्या लिखते हैं माइनस एम डॉट बी लिखते हैं ठीक है, तो या तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दो, और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बेटा क्या थी तब भी जीरो थी, तो पोटेंशियल एनर्जी में दो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से भाई, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैंने किसकी लिख दी है मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, फिर मैंने लिखी है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की, फिर मैंने लिखी है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की, और फिर इसको जीरो कर दिया, जब इसको जीरो किया तो टैन थीटा बाय टू इतना आ गया, और आपको पता है कि थीटा जो इक्विलिब्रियम का आता है ऐसे केसेस में वो थीटा का डबल आ जाता है राइट। तो देखिए चीज़ वही है पाई आर बी नॉट आई बाई एम जी, बस एंगल उसका क्या आ रहा है डबल। तो जब मैंने ये कैलकुलेट किया फिर मैंने ऑप्शन चेक किया, तो ऑप्शन चेक किया तो यार थीटा बाई टू जैसा तो कहीं एंगल कुछ है ही नहीं ठीक है, अगर कहीं पर कुछ एंगल इसका नहीं है तो फिर मैं बेझिझक होकर इक्विलिब्रियम वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चूज करूँगा और आंसर क्या मार्क कर दूंगा ऑप्शन ए ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें सीधा सीधा आपको टॉर्क बैलेंसिंग करनी थी और कुछ खास काम इसमें नहीं है, वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ गए हैं मल्टी करेक्ट में ठीक है, अब हम आ गए हैं मल्टी करेक्ट में। तो यहां पे है अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल पी नॉट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर, तो ये जो डायपोल मोमेंट है इसका जो कोई सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई है।
तो इस सवाल में उन्होंने हल्का फुल्का सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि कोई भी बॉडी जो अगर कहीं पे हिंज्ड नहीं है, अगर कोई बॉडी जो कहीं पे हिंज्ड नहीं है तो इट विल ऑलवेज ऑसिलेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है अगर उसका कोई ऑसिलेशन होता है तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका ऑसिलेशन ले सकते हैं, उसका रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा जो है स्फीयर ले लिया, ठीक, और उस स्फीयर के ऊपर उन्होंने चार्ज नहीं दिया, चार्ज डेंसिटी दे दी। तो अगर ऐसी बात है तो मैं चार्ज लिख दूंगा इसके ऊपर कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, दैट्स इट, कुछ खास बात नहीं है। और ये जो है यूनिफॉर्मली, ये जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सरफेस डेंसिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, पक्की बात है जीरो होगी, पक्की बात है जीरो होगी। तो अगर मैंने डाइपोल को कहीं अंदर रख दिया होता, अगर मैंने डाइपोल को कहीं अंदर रख दिया होता बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती। इसका मतलब ये है एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर जो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि अगर आपने डाइपोल को स्फीयर के अंदर रखा तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब वहाँ पे अगर आप डाइपोल रख भी देंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स उसे फील नहीं होगा, कोई टॉर्क उसे फील नहीं होगा, तो डाइपोल वहाँ पे ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक, तो जो ऑप्शन ए है वो हमने रॉन्ग यहाँ पे प्रूव कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। तो अब हम बात करेंगे स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट्स की। स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट्स पे सवाल ने सबसे पहले मेंशन किया है स्मॉल डाइपोल। क्लास में हम बार बार आपको समझाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो स्मॉल लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल ले लिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों स्मॉल ले लिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको वो अब बार बार ये नहीं बोलेगा कि साइज ऑफ द डाइपोल इज मच मच स्मॉलर देन रेडियस आर ऑफ द स्फीयर। ये बार बार नहीं बोलेगा वो। स्मॉल डाइपोल बोलने का मतलब है कि उसने दे दिया, इसको आप छोटा मानी। अगर आपने स्मॉल डाइपोल मान लिया है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको दिखेगी बच्चों, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान लूंगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या मान लूंगा, यूनिफॉर्म मान लूंगा। बिकॉज क्वेश्चन मुझे सीधा सीधा क्या हिंट दे रहा है, क्वेश्चन मुझे सीधा सीधा बोल रहा है कि डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, और मुझे सीधा सीधा स्मॉल ऑसिलेशन की यहाँ पे हिंट दे रही है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मुझसे पूछ ली गई है। अब अपने सिलेबस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी तभी निकाल सकते हैं जब वो SHM बन रहा हो। ठीक, तो बस सवाल जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा सीधा आप टॉर्क लिख दीजिए, बट टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन थीटा विच विल बी इक्वल टू आई अल्फा। तो ये तो हो जाएगा बच्चों पी। अब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखोगे, के Q by R square, एंगल बहुत ही छोटा है, सवाल ने बोल दिया है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू I, और अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट जिन बच्चों को नहीं पता है मैं ये बोल देता हूँ कि थीटा डबल डॉट इज D2 थीटा by DT square, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस P, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है, लास्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूशन कर देंगे, अपॉन I इंटू थीटा। तो ये आपको क्या मिल गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। अब जो उसने बोला है दोनों वैल्यूज़ के लिए उसको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना। तो जब वैल्यू सब्सटीट्यूट आप करेंगे, ठीक है भाई, क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, जो K है उसको 1/4π ε0 आप डाल देना। ठीक, तो ये सारा सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको बस दो ही ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे, एक तो होगा ऑप्शन B और एक होगा बच्चों ऑप्शन D। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करता है। ठीक, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आज फिर से बोल देता हूँ, जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस को डाइपोल एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम से प्यार है। वो बार बार हर बार हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो डाइपोल पे सवाल देंगे या फिर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल देंगे। और इस बार तो आप कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों को मिक्स कर दिया है और दोनों के ऊपर सवाल बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है बड़ा ही शानदार सवाल है, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है, और अच्छा है, मतलब इसमें आपका दिमाग बढ़िया खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, बॉयंसी का यूज़ हो रहा है, विस्कोसिटी का भी यूज़ हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का भी यूज़ हो रहा है। तो एक मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अगर आपके इनमें से कोई भी एक या दो कॉन्सेप्ट अगर हिले हुए हैं तो ये सवाल हो सकता है कि आपसे ना बने। ठीक, तो उन्होंने बोला कि एक टेबल टेनिस बॉल है,
रेडियस दे दिया, मास दे दिया, पाई का वैल्यू दे दिया, जी दे दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया, सारा जो है विस्कोसिटी वगैरह दे दिया, और ये बोला कि पानी के सरफेस से उस बॉल को स्लोली नीचे लेके जा रहे हैं, स्लोली, ठीक है। ये वर्ड स्लोली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दैट इट इज़ स्लोली पुश्ड डाउनवर्ड्स, राइट। तो अगर ये पानी के नीचे इस तरीके से लेके जा रहे हैं बच्चों, तो बताइए इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg का, एक फोर्स बच्चों इसके ऊपर लगेगा बॉयंसी का। अगर इसकी स्पीड, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर लगेगा एक एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसका मोशन नीचे है तो इसके ऊपर लगेगा ऊपर एक विस्कस फोर्स। पर क्योंकि इन्होंने बोला स्लोली, तो स्लोली का मतलब क्या है कि स्पीड इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। और अगर स्पीड ज़ीरो होगी और टेबल टेनिस स्फेरिकल होती है, तो यहाँ पर हम स्टॉक्स लॉ लगा सकते हैं। स्टॉक्स लॉ में विस्कस फोर्स क्या होता है, 6π eta v। तो अगर v ज़ीरो है तो स्टॉक्स लॉ की वजह से विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, स्लोली, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बॉयंसी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय विस्कोसिटी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये आपने लगा दिया। बॉयंसी और ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो हैं हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो mg आपको मिल जाएगा पाई इंटू 10^-2 न्यूटन। और जो बॉयंसी आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स आपको कैलकुलेशन के बाद कुछ मिल जाएगा 9 times π/2 इंटू 10^-2 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि बॉयंसी जो है वो mg से कितनी टाइम्स ज़्यादा है, 9/2 times ज़्यादा है, ठीक। मैंने इसका प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर एक बना लिया है, mg के कंपैरिजन में मैं लिख दूंगा, क्योंकि उससे मुझे चीज़ें थोड़ी आसान सी दिखती हैं कि भाई नीचे mg है, ऊपर कितना है, 9/2 mg, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा कंपैरिजन हो रहा भी कौन बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब जब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, बॉयंसी का वर्क डन नेगेटिव होगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, mg, ठीक है, और जो बॉयंसी है तो mg का वर्क डन तो पॉजिटिव उधर चल जाएगा, माइनस mg प्लस बॉयंसी इनटू डिस्टेंस d। तो बॉयंसी माइनस mg करोगे तो 9/2 - 1 आपको सीधा सीधा क्या दिखेगा, 7/2। mg की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10^-7, और डिस्टेंस आपको कितना गिवन है बच्चों, 0.7 गिवन है, राइट। तो ये कैलकुलेशंस आप यहाँ पे कर लो, कैलकुलेशंस करने के बाद जो है इतना वर्क डन आपको मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आप करिए, पाई का वैल्यू 22/7 डालिए, खटाक से सीधा सीधा आंसर मिल जाता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन की बात हुई, तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, या तो आप वो वैसा कर लो या आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि जब पार्टिकल को आपने नीचे से ऊपर छोड़ा, तो जब ये बॉल जो है जब ये नीचे से सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो इसका एक्सेलेरेशन होगा कॉन्स्टेंट। अब ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का फोर्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सेलेरेशन कितना मिल जाएगा, 9/2 - mg। तो एक्सेलेरेशन जो ऊपर मिलेगा वो होगा 9/2 - 1 mg/g, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना मिला बच्चों, 7g/2 का एक्सेलेरेशन मिल गया, और डिस्टेंस हमें पता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v = 2a 7g/2 × s कितना है, 0.7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, g 0.77 बना देगा, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 7 meters per second, राइट। और अगर 7 meters per second से बॉल बाहर निकलेगी, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, वो आप सीधा सीधा हाइट जो है v² / 2g से निकाल लो, 2.45 meters आ गए, ठीक है। तो भाई चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो इस तरीके से सॉल्व हो गए हैं, राइट, तीन ऑप्शन तो यहाँ पे सॉल्व हो गए। एक्सटर्नल फोर्स बस उसको नीचे खींचने के लिए रख रहा था। भैया आपने भी कभी घर पे एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक पानी की खाली बिस्लेरी की बॉटल लो आप, उसको पकड़ो पानी के नीचे लेके फिर छोड़ दो, तो इसके ऊपर ऊपर फोर्स लगता है, ऊपर भागती है, ठीक वैसे ही टेबल टेनिस की बॉल है, उसको आप नीचे लेके गए और नीचे से आपने उसको छोड़ दिया, तो बॉल पे बॉयंसी ज़्यादा है, mg कम है, तो बॉल ऊपर भागेगी। जैसे ऊपर भागेगी, आपको बोला कि यार बॉल जो है वेट नहीं हो रही है, वेट नहीं होने का मतलब है कि हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स को नेगलेक्ट करना है, राइट। तो सरफेस टेंशन को हमने नेगलेक्ट कर दिया, बॉल यहाँ से सरफेस छोड़ के निकली और एकदम ऊपर जाएगी v² / 2g से, फिर वहाँ से मैक्सिमम हाइट हमने निकाली 2.45 meters, बहुत बढ़िया। अब एक बार वापस पढ़ते हैं लास्ट सवाल, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। तो उन्होंने बोला बी एंड सी में
कि इफ वी नेगलेक्ट द विस्कस फोर्स, इफ वी नेगलेक्ट द विस्कस फोर्स, भाई जो पहला वाला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन इन पुशिंग द बॉल, अब देखो यहां पे भी वर्क डन इन पुशिंग द बॉल बस लिख के छोड़ दिया, एक्सटर्नल एजेंट का नाम कहीं नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट का नाम कहीं नहीं है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का फ्रेज आपको मिलता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉल, व्हाट इज द वर्क डन ब्रिंगिंग टू चार्जेस टुगेदर, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट सवाल पूछ रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आपको निकालना है। तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हमें निकाल लिया। बी एंड सी में हमने विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट किया, ऑप्शन ए में क्योंकि स्पीड जीरो थी इसलिए विस्कस फोर्स का नेग्लेक्ट किया, तो ए से बी से सी में तो विस्कोसिटी का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डी की। तो डी वो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, ठीक है। अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो नेट विस्कस फोर्स होगा, ठीक, वो नेट विस्कस फोर्स बताइए कौन सा होगा। भाई नेट विस्कस फोर्स को तो हमें नेग्लेक्ट करना है, तो भाई बचे हुए फोर्स कौन से हैं, एक तो हो जाएगा एम जी और एक हो जाएगा बॉयंसी। तो बी माइनस एम जी का रेशियो हमें किसके साथ लेना है, मैक्सिमम विस्कस फोर्स। अब जो विस्कस फोर्स है वो कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो हमें वी का वैल्यू चाहिए। अब मैं जो बी पार्ट में वेलोसिटी निकाली है उसको मैं डी पार्ट में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको मैं डी पार्ट में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। उसका भी रीजन है एक बच्चों, उसका रीजन ये है कि आप डी पार्ट में उसे डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि यहां पे बी पार्ट हमने सॉल्व किया है विदाउट विस्कस फोर्स, मतलब बी पार्ट में मैंने विस्कोसिटी को इग्नोर कर दिया, पर डी पार्ट में सवाल तो बोल रहा है कि भाई साहब विस्कस फोर्स का जो है वो फोर्स निकालो, तो आपको डी पार्ट में विस्कोसिटी को काउंट करना पड़ेगा। अगर विस्कोसिटी को आप काउंट करेंगे तो फिर जो वेलोसिटी है क्या 7 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, ये हम आज यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब आप विस्कस फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स आएगा 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, और वेलोसिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं 7 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं, तो अगर आपने 7 मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी डाल दी बच्चों, तो उसके बाद भी आप देखो कि जो फोर्स आ रहा है, जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है वो एम जी माइनस बॉयंसी से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ये जो फोर्स है बच्चों, ये एम जी माइनस बॉयंसी से काफ़ी ज़्यादा छोटा फोर्स है। अगर ये फोर्स इतना ज़्यादा स्मॉल है, इसका मतलब जो एम जी माइनस बी से 7g/2 का एक्सेलरेशन मुझे मिल रहा है उस पर विस्कोसिटी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर विस्कोसिटी का कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर विस्कोसिटी का कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, राइट, उस वेलोसिटी के हिसाब से हम इसको 7 मीटर पर सेकेंड मान सकते हैं, क्योंकि विस्कस फोर्स बहुत कम है एम जी और बॉयंसी के सामने, इसलिए उसके इफेक्ट को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका इफेक्ट नेगलेक्ट होगा तो सरफेस पे वापस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अगर 7 मीटर पर सेकेंड आ गई है तो फिर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आप ऊपर लिखेंगे बॉयंसी माइनस एम जी और इसका रेशियो आपको लेना है 6 पाई ईटा आर वी, और वी में आपको कौन सी वेलोसिटी रखनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशंस आप यहाँ पे करेंगे बच्चों, आपको 500/9 एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक। डी पार्ट में बहुत से लोगों ने जो है सीधा सीधा, बहुत से बच्चे 7 निकाल के सॉल्व करके आ गए, ये तुक्के में सही हो गया है। अगर आप यहाँ पे, आपको ये चेक करना चाहिए था कि भाई साहब वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखनी पड़ती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल आया बच्चों स्पेक्ट्रोमीटर से, जहाँ पे जो है अलग अलग वेलोसिटी या चार्जेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फंडा है उसको मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा और किसी ने जैसे ही आएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो ऐसा आएगा और यहाँ पे आके जो है हिट कर जाएगा, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो हमें x गिवन है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा क्या ये रेडियस का डबल होगा, बिल्कुल सही बात। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 times r, और r की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो होती है mv by qb, पर सवाल ने वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं इसको लिखूंगा 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, q टाइम्स डेल्टा v अपॉन qb को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्यू से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ
टू एम डेल्टा वी अपॉन क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। ये आपको मिल गई बच्चों x की वैल्यू, और ये जो पार्ट होगा ये आपको मिल जाएगा रेडियस का वैल्यू। ठीक है, बस खत्म हो गया। पहली बात उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए निकालना है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए m का मास भी सवाल ने दे ही दिया है खुद ब खुद कि भाई हाइड्रोजन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का इतना मास हमें लेना है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छी वैल्यू x जो है निकल के आ जाती है 4 सेंटीमीटर, बड़े आराम से। मतलब बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जब ये आप सॉल्व करेंगे ना एग्जैक्टली निकल के 4 सेंटीमीटर आएगा, कहीं पे सारा स्क्वायर रूट वगैरह सब इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही 4 सेंटीमीटर आया, जैसे ही 4 सेंटीमीटर आया, और वो तो कब आया, जब आपने m को क्या लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, उसका मास नंबर कितना होता है, 1। अगर हाइड्रोजन का मास नंबर 1 नहीं होता तो मैं इसकी जगह क्या इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये लिख लेता कि अगर चार्ज प्लस ही हम ले रहे हैं, ठीक है, चार्ज प्लस ही हम अगर ले रहे हैं बच्चों, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m। मतलब आपका जनरल फॉर्मूला बन गया है x का फॉर एनी मास, ठीक है, 4 times √a इंटू सेंटीमीटर्स। तो अगर आपने यहाँ पे आयन को डाला 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, 12 × 4 = 48 सेंटीमीटर्स। सीधा आपको ऑप्शन बी भी मिल गया, ऑप्शन ए भी मिल गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर सवाल ने बोला एक रेंज दे दी कि यार मास की वैल्यू जो है ना 1 से लेके 196 है, तो इसके लिए आप x की वैल्यू बताओ। ठीक है, अपन बता देते हैं 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14। तो 4 × 14 सेंटीमीटर्स आप करेंगे तो कितना बन जाएगा, 56 सेंटीमीटर्स, राइट। मतलब यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस तो होना चाहिए था 4 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 56 सेंटीमीटर। तो जो डिटेक्टर की लेंथ होगी बच्चों वो कितनी आनी चाहिए, 52 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो 52 की जगह इन्होंने क्या दिया, 55 दिया, मतलब सी ऑप्शन हो गया है गलत। फिर उन्होंने बोला था मिनिमम विथ डब्ल्यू ऑफ द रीजन। अब मिनिमम विथ के लिए आप ये देखिए कि इतना आगे जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस इस दिशा में कितना कवर करेगा, रेडियस आर। तो अगर 196 मुझे चाहिए तो इसके लिए रेडियस कितनी निकाली थी, ध्यान रखो कि हम जो एक्स निकाल रहे हैं दिस इज बेसिकली ट्वाइस द रेडियस। तो 56 की जगह जो रेडियस होगी वो बच्चों कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। मतलब जो विथ है, विथ मुझे 28 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखनी है, पर सवाल ने 56 सेंटीमीटर दे दी है, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल, बढ़िया सवाल, डूएबल सवाल था। ऑल्दो इसमें चारों ऑप्शन जो हैं अलग अलग थे, पर फिर भी आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ए ऑप्शन निकाला और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर काम लिया होगा तो ए बी सी डी सारे के सारे उस एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल भी डूएबल सवाल था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डायमेंशन ऑफ अ कोन आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल विद लीस्ट काउंट ऑफ 2 millimeters, डायमीटर ऑफ द बेस एंड दे दिया। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम लिख लेते हैं फटाफट से। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πd² / 4 इंटू हाइट h, सबकी वैल्यू सेम ही आई है, तो उसको डेल्टा वी बाई वी कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 δd/d प्लस डेल्टा h/h। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई डेल्टा डी और डी भी इन्होंने सारी वैल्यू सेम है, एरर भी सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है, तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस खत्म हो गया सवाल। 3 × जो एरर है वो 2 millimeter की है, तो 2 millimeter लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या होती है, भाई सवाल ने एरर दी है 2 millimeter की। ठीक है, देखिए अगर सवाल, समझना, अगर सवाल एरर नहीं देता है, लीस्ट काउंट देता है, अगर सवाल एरर नहीं देता है, क्या देता है, लीस्ट काउंट, तो आप लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेंगे। अगर सवाल एरर नहीं देता है, क्या देता है, लीस्ट काउंट, तो आप उस लीस्ट काउंट को ही क्या मानेंगे बच्चों, एरर मानेंगे। ठीक है, तो एरर आपने लिख ली है 2 millimeter, एरर हमने लिख लिया बच्चों 2 millimeter, और जो डिस्टेंस, जो हाइट उसने मेजर की है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप 20 सेंटीमीटर में, मैं बोलता हूँ इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, 200 millimeter। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/100, और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा भाई, 300%। बहुत ही सिंपल सवाल, जी मेन लेवल का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन। ठीक, सवाल ने जिस तरीके से लैंग्वेज दी है उस तरीके से हो सकता है कि यार इसमें थोड़ा सा डर लगे आपको, बट सवाल बहुत सिंपल सा सवाल था और अच्छा सवाल था,
कि इन्होंने जो सिंपल सी फैक्ट्स को यूज़ करके रिलेटिव मोशन यहाँ पे लगा दिया है और बड़े आराम से जो है मतलब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सवाल को इन्होंने फ्रेम किया है। हालांकि सवाल में कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन लिखेंगे उसी से खटाक से जो है आंसर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों सवाल क्या है, सवाल ये है कि यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा वन, तो इधर से थीटा वन बनेगा और ये है थीटा नॉट। सवाल ये बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी तो फिक्स्ड है और एक बार उसने थीटा नॉट की वैल्यू 45 कर दी और एक बार इस थीटा नॉट की वैल्यू आई थिंक 60 कर दी है, ठीक है, एक बार 45 कर दी है और एक बार 60 कर दी है। इधर जो इन्होंने v1 लिखा है, राइट, इधर भी थीटा वन की एक बार वैल्यू उन्होंने 45 कर दी है और एक बार वैल्यू उन्होंने 30 कर दी है, पर एक उन्होंने एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, उन्होंने बोला है कि जो इनिशियल स्पीड है v0 ये तो उन्होंने फिक्स कर दी, पर जो दूसरे बॉल की स्पीड है, जो स्टोन की स्पीड है जिसको इतने एंगल पे फेंका है, उसको उन्होंने बोला है विद अ सूटेबल इनिशियल स्पीड। सूटेबल इनिशियल स्पीड मतलब दोनों केस की वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, दोनों की स्पीड्स अलग अलग हो सकती हैं, राइट। तो अगर आप इसको ऐसे सोचते हो, पहली बार आपने v1 लिया तो मैं अगली बार इसको क्या लूंगा बच्चों, v2। एक बार आपने v1 लिया तो दूसरी बार अपन लेंगे v2, ठीक। फिर क्या होगा, ये जो बॉल है ये कुछ ऐसे चलेगी, ये वाली बॉल कुछ ऐसे चलेगी और दोनों कहीं ना कहीं बीच में टकरा जाएंगे। तो अगर दोनों इनिशियल हॉरिजॉन्टल लेवल से चले हैं और कहीं पर टकराए हैं तो इनकी इनिशियल जो हाइट कवर्ड होगी वो सेम होनी चाहिए, और हाइट कवर्ड सेम कब होगी, जब इनके इनिशियल कॉम्पोनेंट, इनके जब इनिशियल वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट है और इसका ये वाला कॉम्पोनेंट है, चाहे वेलोसिटी थीटा वन कुछ भी हो, इनके बीच में रिलेशन हमेशा ये मेंटेन होना चाहिए, तभी वो एक वर्टिकल डिस्टेंस पे, सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे मिलेंगे और वहाँ पे टकराएंगे, ठीक है। तो ये मिल गया। अब टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे, तो हमने वर्टिकल में तो देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल में क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी लगा दो भाई, ये वाला डिस्टेंस जो है कितनी से कम हो रहा है, वी नॉट कॉस थीटा से, और ये वाला डिस्टेंस इधर से कितने से कम हो रहा है, वी वन कॉस थीटा से, राइट, थीटा वन से, ठीक है। तो बताइए टाइम क्या होगा, बट लेंथ तो एल ही है दोनों तरफ, एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी वन कॉस थीटा वन, पर जो वी वन है ये अपना वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या किया, वी वन को यहाँ से निकाल के इधर उधर रिप्लेस कर दिया। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे बच्चों, आपको जो टाइम पीरियड है वो सारा का सारा टाइम पीरियड किसके टर्म्स में मिल गया, बस वी नॉट के टर्म्स में मिल गया, वी नॉट के टर्म्स मिल गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले उनके वर्टिकल मोशन को कनेक्ट किया, वर्टिकल मोशन से इसकी जो स्पीड है वी वन स्पीड वो निकाल ली थीटा के टर्म्स में, और फिर हमने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो जो यहाँ से जो एल लेंथ है बच्चों, एल लेंथ के लिए क्या किया भाई, जो इफेक्टिव इनकी जो रिलेटिव स्पीड है हॉरिजॉन्टल में, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड आने के बाद कुछ नहीं है, एक बार आपको 65 डालना है, एक बार आपको 45 डालना है, इधर एक बार आपको 30 डालना है, एक बार 45 डालना है, दोनों का रेशियो लेना है, और रेशियो बड़े आराम से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है काइनेमैटिक्स का, ठीक है, ऐसे सवाल यूजुअली क्लास में भी करवा दिए जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लास इलस्ट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये तो अपना फ्लक्स जो यूनिफॉर्मली सब जगह भेजेगा, राइट। तो मैं अगर ये वाला फ्लक्स निकाल लूँ कि इस वाले पार्ट पे और जो नीचे का इधर वाला पार्ट है इसमें जो फ्लक्स जाएगा, ठीक है, और पर मुझे फ्लक्स चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया से, तो मैं ये बोलूँगा, हाँ इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, कि भाई जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड द टोटल फ्लक्स वुड बी इक्वल टू कि फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सर्फेसेस, ठीक है, तो ऐसे दो होंगे, प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। फ्लैट सरफेस का फ्लक्स हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, तो ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू इंटू फ्लैट सर्फेस का कितना होता है बच्चों, फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका सॉलिड एंगल निकाल लो, 2 पाई अपॉन 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सॉरी प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया आपको q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा मिल जाता है बड़े आराम से, और जैसे ही आपको मिला भाई साहब सवाल ही खत्म हो गया है, क्योंकि एक बार थीटा डालना है 30, एक बार थीटा डालना है 60, रेशियो ले लो।
तो cos 30 बाय cos 60 जब रेशियो लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट थ्री, और इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3. दैट्स इट, इतना इजी सवाल था. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के ऊपर है, प्रिज्म के ऊपर है. तो इन्होंने बोला भाई दो इक्विलेटरल प्रिज्म है, बढ़िया. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है तो ए का वैल्यू तो हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, P2 के लिए उन्होंने P2 के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3/√2. ठीक, ये दे दिया. अब इन्होंने बोला कि मिनिमम डेविएशन आपको निकालना है P2 के लिए. तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई प्रिज्म आइसोसेलेस होगा तो आइसोसेलेस प्रिज्म के अंदर जो मिनिमम डेविएशन की इंटरमीडिएट रे होती है वो बेस के परपेंडिकुलर पैरेलल होती है. तो यहाँ पे अगर मुझे इसमें मिनिमम डेविएशन कराना है तो एक लाइटर को मैं पक्का ऐसे भेजूंगा और ये लाइटर जो है फिर ऐसे जाएगी. ठीक है, और मिनिमम डेविएशन के केस में आपको एक चीज़ पता होगी कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये 30 डिग्री, मतलब R1 क्या हो जाएगा, A/2. मिनिमम डेविएशन के केस में तो R1 R2 दोनों A/2, मतलब 30 डिग्रीज हो गए. तो ये दोनों एंगल हो गए बच्चों 30 डिग्रीज. ठीक, तो यहाँ से जो भी एंगल ऑफ इमरजेंस होगा क्या वही इसमें आने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेते हैं. तो जो इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इधर भी मिल जाएगा. राइट, तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि ये भी ई है, तो बच्चों ये भी कितना होगा, ई होगा. तो इसके लिए आप कैलकुलेशंस करेंगे कि √3 × sin R1, R1 की वैल्यू हो जाएगी A/2, विच इज इक्वल टू 1 × sin E. बहुत बढ़िया. तो साइन ई का वैल्यू जब आप यहाँ से देखेंगे, साइन ई कितना आ जाएगा, √3 × 1/2, √3/2 आ गया. तो ई का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों 60 डिग्रीज. अब ये 60 डिग्री है. ठीक है, अच्छा, जो मिनिमम डेविएशन था वो तो था P2 के लिए, P1 के लिए तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है. तो P1 के लिए तो हम सीधा जो है स्नेल्स लॉ लगा देंगे 2 बार, क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन देखोगे ना, ये वाला एक्सप्रेशन, तो आपको ये एक्सप्रेशन देखते ही समझ में आ रहा है, आपको ये एक्सप्रेशन देखते ही बच्चों समझ में आ रहा है कि यार इस एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने साइन इनवर्स ऑफ साइन कुछ कुछ तो लिया हुआ है. और ऐसा हम कम से कम 10 बार कर चुके होते हैं क्लास नोट्स के अंदर ही. राइट, तो इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. अब क्या बचा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ. तो इधर स्नेल्स लॉ कैसा लगेगा, ये होगा √3/2 sin R2, विच इज इक्वल टू, इधर क्या होगा बच्चों, 1 × sin 60 डिग्रीज. ठीक है, तो आप जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो sin R2 का वैल्यू हमें मिलेगा √2/√3 × √3/2. तो ये R2 की वैल्यू आपको मिल गई है 45 डिग्रीज. और R2 अगर 45 होगा तो R1 कितना होगा, क्योंकि R1 + R2 A होता है भाई, बहुत बेसिक फार्मूला है ये. तो 60 − 45 कर दीजिए और R1 आपको मिल जाएगा 15 डिग्री. मतलब ये जो एंगल होगा ये 15 डिग्री आ गया. और मुझे निकालना है ये एंगल, बचा क्या, खटाक से स्नेल्स लॉ लगाओ. और जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाओगे आपको ये एंगल 15 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है, तो ये 15 डिग्री होगा तो π/12, मतलब बीटा की वैल्यू क्या दी हो गई, सीधा सीधा n हो गई. इतने इस हद तक सिंपल सवाल. और ये सवाल अगर आप प्रिज्म देख के छोड़ देते ना तो और बड़ी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म की बस एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. कौन सी, प्रिज्म की हमने बस एक प्रॉपर्टी यूज़ की है जो डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, कि अगर ये प्रिज्म है और इसमें से मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो आइसोसेलेस प्रिज्म के केस में ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. और वहाँ पे इसके जो एंगल्स होते हैं R1 + R2 वो ए होते हैं, और उस केस में इक्वल हो जाएंगे, R1 + R2 दोनों A/2 के बराबर हो जाएंगे. बस इतना सा जो है ज्योमेट्री आपको यहाँ पे यूज़ करनी थी. और ये सिंपल ज्योमेट्री इतनी सिंपल होती है कि अगर आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद भी नहीं होंगे ना तो भी ऑन द स्पॉट आप निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा सवाल है. ठीक, कि यहाँ पे इन्होंने 2 चार डिस्ट्रीब्यूशन दिख दिए हैं और उनका PNQ का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो ये तो हो गया प्लस लैम्डा और इसके ऊपर हो गया बच्चों चार्ज क्यू. तो जो VP − VQ हमें निकालना है बच्चों, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वायर, जो कितना आ जाएगा, 2K λ ln R2/R1. ठीक है, R2/R1 वैल्यू मैं अभी सब्सटीट्यूट कर दूंगा प्लस. ठीक, ये तो आ गया वायर का कंट्रीब्यूशन, और जो ये वाला है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा,
इसका कंट्रीब्यूशन होगा के क्यू अपॉन जो भी है आर पी माइनस के क्यू अपॉन आर आर। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है। ठीक, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वायर जो होता है स्ट्रेट वायर, उसका पोटेंशियल क्लास में डिराइव करवा दिया जाता है। अगर नहीं भी हो तो आप सीधा फॉर्मूला मतलब जो है इसको डिराइव कर सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। ई डॉट डी एल, ठीक है, कर देना 2k लैम्डा बाय आर, डी आर को इंटीग्रेट कर देना आर वन से आर टू में। ठीक, और आपको पता है कि पी और आर में हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टूवर्ड्स है पी टू आर, पी टू आर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एट पी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट आर, बिकॉज अलॉन्ग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। फील्ड के अलॉन्ग अगर आप चलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पी से चार पे आप चलते जाइए तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मतलब सवाल जो पूछ रहा है पी एंड आर का, वी पी माइनस वी क्यू जो पूछ रहा है, सॉरी वी क्यू वी आर जो पूछ रहा है, ये हमेशा क्या आना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप सब्सटीट्यूट कर दो और आपको जो है 171 वोल्ट्स आंसर मिल जाएगा बड़े आराम से। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सारा जो नैनो कूलम का चार्ज दिया हुआ है जो के 9×10⁻⁹ से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन आएगी, 171 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चलिए एक फिर भी थोड़ा ठीक सवाल है जिसमें सरफेस टेंशन और केटीजी के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो सवाल क्या है बच्चों, स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर, एयर चैम्बर एट प्रेशर पी नॉट। ठीक है, तो ये प्रेशर पी नॉट उन्होंने बोल दिया, हैज सर्टन रेडियस सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल इज डेल्टा पी। ठीक है, समझना बच्चों सवाल को, समझना 10^5 पास्कल के सामने जो एक्सेस प्रेशर है काफी छोटा है, और सवाल ने ये बोल भी दिया इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज एंड अज्यूम एयर टू बी एन आइडियल गैस एंड ऑल्सो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन बोथ द केसेस टू बी मच स्मॉलर देन द चेंबर प्रेशर, ये इन्होंने बोल दिया है। ठीक, इसका भी रीजन भी बताऊंगा कि बच्चों ऐसा क्यों बोला है। तो सबसे पहले जब हम इक्वेशन लिखेंगे कि भैया एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो एक्सेस प्रेशर होगा 144 पास्कल्स विच विल बी इक्वल टू 4s by r, सिंपल, क्योंकि बबल है तो एक इंटरफेस, एक स्फेरिकल इंटरफेस पे 2s by r का ड्रॉप होता है, दो स्फेरिकल इंटरफेस पे 4s by r का ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप हमने यहां पे लगा दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो बबल था, ठीक है, हमने बाहर का प्रेशर को कम कर दिया, बाहर के प्रेशर को हमने कम कर दिया 8p0/27 कर दिया है। ठीक, तो बताइएगा अगर आउटसाइड प्रेशर, अगर जो आउटसाइड प्रेशर है वो कम हो गया है कितने फैक्टर से, 8/27 के फैक्टर से आउटसाइड प्रेशर कम हो गया। ठीक, अगर ये 8/27 से कम हो भी जाए ना, तब भी जो एक्सेस प्रेशर है उसके सामने ये अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये है 1,00,000, 1,00,000 के सामने ये कितना है 144, तो 1,00,000 के सामने वैल्यू बहुत छोटी है। इस 1,00,000 को अगर मैं 8/27 भी कर दूँ ना, तब भी वो 144 के सामने बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर आप आउटसाइड प्रेशर को कम कर देंगे तो बबल की जो अंदर का प्रेशर है वो प्रेशर, और पहले आउटसाइड का प्रेशर बैलेंस हो रहा था, अब आपने आउटसाइड प्रेशर कम कर दिया तो गैस के जो इनसाइड प्रेशर है ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और इससे बबल क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो पहले इनिशियल रेडियस जो मान लो अगर आर थी, तो आउटर रेडियस बाद में जो रेडियस होगी बच्चों वो बढ़ जाएगी। सवाल ने बोल दिया कि टेम्परेचर क्या रखना है भाई, सेम ही रखना है। ठीक है, तो अब देखो कि पहले आउटसाइड प्रेशर था पी नॉट, अब आउटसाइड प्रेशर इनसाइड प्रेशर कितना हो गया है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी1, इसको डेल्टा पी1 बोल देते हैं। अब आउटसाइड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, 8/27 हो गया, 8/27 पी नॉट, तो इनसाइड प्रेशर अब कितना हो जाएगा, 8/27 पी नॉट प्लस कुछ एक्सेस प्रेशर डेल्टा P2 जो अभी हम रेडियस के साथ निकाल लेंगे, राइट। पर सवाल ने जब बोला कि भाई साहब मच स्मॉलर देन द चेंबर प्रेशर, इसका मतलब जो अंदर का प्रेशर है उसको अभी भी मैं पी नॉट मान लूंगा, और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अभी भी मैं 8/27 पी नॉट मान लूंगा, तो मतलब ये है बच्चों कि अगर आउटसाइड प्रेशर ये है और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ये लिख लूंगा कि इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। मतलब अगर प्रेशर 8/27 हो गया तो जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा वो कितना भाग जाएगा, जो वॉल्यूम होगा बच्चों, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा वो कितना भाग जाएगा, वी फाइनल अब बन जाएगा 27/8 वी नॉट,
27/8 वी नॉट इनिशियल, और आपको पता है कि 27/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/2 का क्यूब लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर इनिशियल रेडियस आर नॉट थी तो फाइनल रेडियस अब कितनी हो गई है, 3/2 r0 हो गई है। मतलब इनिशियल रेडियस अगर r थी बच्चों तो फाइनल रेडियस कितनी हो गई है, 3r/2। अगर 3r/2 हो गई है तो क्या मैं फाइनल एक्सेस प्रेशर भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल लो। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर 2, ये कितना हो जाएगा, 4s/3r/2। मतलब एक्सेस प्रेशर 2/3 हो गया है इनिशियल प्रेशर का, जो कितना था 144। तो 144/3 होगा 48, एंड 42 × 2 हो जाएगा बच्चों 96 पास्कल। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको दिखेगा, आंसर कितना दिखेगा भाई, 96 पास्कल दिखेगा। क्लियर? सवाल ने देखिए, जे एडवांस में हमेशा क्या होता है, सवाल आपको बड़े अच्छे से अजम्पशंस बताता है। तो जितना अच्छे से वो आपको अजम्पशन बताएगा उतना अच्छे से आप उसको यूज़ करिए। और सवाल ने, जे एडवांस ने अजम्पशन बता के अपने लिए ही कहानी बहुत सिंपल कर दी है। अगर वो ऐसा नहीं बोलता प्रोसेस आइसोथर्मल, तो फिर मुझे ये सब लगाना पड़ता। हाँ या ना? बिल्कुल। तो P1V1 = P2V2 मैंने लगाया, यहाँ से सीधा सीधा मुझे रेडियस जो है 3/2 के फैक्टर से बढ़ता हुआ दिख गया, आंसर होगा 96। चलिए अगला सवाल। इस सवाल में उन्होंने बोला जो डी है वो एक साइनोसॉइडल वैल्यू के हिसाब से जो है डी चेंज हो रही है। मतलब 0.8 माइनस 0.04 मिलीमीटर से यह वैल्यू जा रही है बच्चों, 0.8 प्लस 0.04 मिलीमीटर में जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है, राइट। तो अपने को ये लैम्डा उन्होंने दे दिया, डी इन्होंने दे दिया, और जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, वो होगी डी लैम्डा बाय डी, राइट। और इन्होंने बोला कि जो एट्थ है, एट्थ फ्रिंज जो होगी यहाँ पे, तो उसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, एट फ्रिंज का डिस्टेंस होगा बच्चों 8 times beta। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब बीटा मैक्सिमम होगा। तो बीटा मैक्सिमम कब होगा, वो होगा डी लैम्डा जब आपका डी क्या हो जाए, मिनिमम। तो इसको मैं लिख दूंगा डी माइनस ए, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, ये 0.04 मिलीमीटर, राइट। और बीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, डी लैम्डा जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, डी प्लस ए हो जाएगा। तो सवाल ये बोल रहा है कि अगर डी का वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा है तो जो पूरा फ्रिंज पैटर्न है वो भी कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहा होगा, कंटिन्यूसली कंप्रेस एक्सपैंड हो रहा होगा। तो मिनिमम फ्रिंज विड्थ मुझे मिल गई, मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ मुझे मिल गई, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका एट्थ मैक्सिमा का, वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा होगा, वो ऑसिलेट कर रहा होगा मैक्सिमम 8 times beta से माइनस 8 times minimum फ्रिंज विड्थ के बीच में वो चल रहा होगा। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 8 × b time - b time हमें निकालना है। तो जब आप ये यहाँ पे करेंगे, डी मिनिमम माइनस डी मैक्सिमम 0.8, ये हो गया बच्चों 8, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा, पूरा एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू ये हो गया है डी। तो 8d λ/d यहाँ पे लिख दिया है, 10^-3 की मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये डेटा जो है मिलीमीटर में था। तो जब आप इसको, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे ये बनेगा, ये नेगेटिव नहीं पॉइंट है, 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर माइनस ये कुछ बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने 0.04, ऑब्वियसली बात है कि इसके सामने काफ़ी स्मॉल है, अगर आपने इसको अप्रॉक्सीमेटली हटा भी दिया तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 600 μm। और अगर आपने इसको ढंग से सॉल्व किया है तो आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों 600.50 μm। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर भी मैंने आपको दे दिया है, अप्रॉक्सीमेट आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। हमने क्या किया, जो नीचे ऐसा कुछ बन रहा है 1/0.8 - 0.04 - 0.8 + 0.04, ठीक है। एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा बच्चों ये जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सीधा सीधा 2 × 0.04 बन जाएगा, ठीक है। यूनिट्स वगैरह आप सब देख सकते हैं, आराम से सब लिखा हुआ है। तो इसमें हम डिनोमिनेटर के लिए क्या बोल रहे हैं कि यार 0.8 और 0.04 में 0.8 काफ़ी बड़ा है, ठीक है,
अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स बड़ा है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा आंसर 600 माइक्रोमीटर आपको मिल जाएगा। अगर आपने नेगलेक्ट नहीं किया तो 601.50 माइक्रोमीटर मिल जाएगा। तो हमें लगता है, देखिए हम आंसर तो 600 ही मान के चल रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन अच्छा खासा आंसर आपको दे रहा है, पर फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IIT जो है एक रेंज में यहाँ पे आंसर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा एग्जैक्टली उसको सॉल्व कर रहा है तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 600 से 602 में आंसर आपको IIT से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर इस रेंज में दे दे। तो इसमें क्या होगा कि 601.5 जिसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया वो भी सही हो जाएगा और जिसने अप्रॉक्सीमेशन किया है वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बेसिक अप्रॉक्सीमेशन है जो हमने क्या IIT ने बहुत बार ऐसे सवालों में यूज़ कर रखा है। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग एंड दिस इज़ ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक है। तो दोनों आंसर्स मुझे लगता है कि IIT को एक्सपेक्ट करने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल में उसने पूछा है मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड एट विच 8 ब्राइट फ्रिंज विल मूव। तो जो लोकेशन होगी 8 ब्राइट फ्रिंज की, 8 मैक्सिमा की, वो कितनी होगी? 8 टाइम्स बीटा, और बीटा क्या होगा बच्चों? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी प्लस ए साइन ओमेगा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई डैश डी वाई बाई डी टी, तो 8 डी लैम्डा तो बच्चों एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस वन अपॉन, ठीक है, डी प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। और चेन रूल से फिर आपको इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ठीक, नीचे डी प्लस ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो घबराने वाली बात नहीं, तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस को मैक्सिमाइज करेंगे, न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करेंगे। डिनोमिनेटर मिनिमाइज तब होगा जब साइन जीरो हो जाए, क्योंकि जब साइन जीरो है मुझे उसी टाइम कॉस को वन करना है। आप ये मत समझना कि मैं साइन को माइनस कर दूं। अगर आपने साइन को माइनस किया बच्चों, तो साइन जब माइनस वन होगा तो उस पॉइंट पे कॉस जीरो हो जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर तो बढ़ गया, मतलब घट गया, पर न्यूमरेटर आपका जीरो हो गया तो खेल खत्म हो गया। इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से, इसको डिफ्रेंशिएट वापस मत करना मेरे भाई, कि इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर चेक कर रहे हो। लॉजिक यूज करो। और यहाँ पे अपन बोलेंगे कि मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस ओमेगा टी क्या हो जाए? वन, और साइन ओमेगा टी यहाँ पे क्या हो जाए? जीरो। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे अगर बच्चों सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद सारा वैल्यू सब्सटीट्यूशन करिए और बड़े आराम से जो है आपको 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड्स का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने साइन ओमेगा टी को जीरो पुट किया तो ये तो पूरा खत्म हो गया, नीचे बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा, और ऊपर जो है वो कितना है, 2 ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक 0.04 होगा, ठीक, ओमेगा की वैल्यू उसने दे दी है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन करी, बड़े आराम से जो है 24 मीटर पर सेकेंड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एक और सवाल में उन्होंने SHM और वेव ऑप्टिक्स को यहाँ पे क्लब कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यह है आखिरी पैराग्राफ इस पेपर का, इसमें दो सवाल है, राइट। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो सवाल ने बहुत सारी जो है पूरा यहाँ पे भर भर के ज्ञान दे दिया है, मैं इसको ये समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो एक पार्टिकल है बच्चों, थर्ड मास है, जो म्यू नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, म्यू नॉट वेलोसिटी शायद उसने ए ओमेगा बाई टू आपको दे दी है। यहाँ पे एक एक्स नॉट के पॉइंट पे, क्योंकि मासेस आइडेंटिकल हैं, तो जो एक्स नॉट होगा ये इनका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ से ये डी डिस्टेंस इधर है और यहाँ से बच्चों ये डी डिस्टेंस इधर है, ठीक है। तो ये बॉल्स ऐसे रखी हुई हैं डी डिस्टेंस पे, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी होगी? 2D होगी। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो जाएगी बच्चों 2D। फिर उन्होंने बोला कि सेकेंड और फर्स्ट मास जो है ये खुद भी क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, पर इनिशियल ऑसिलेशन इनका ऐसा है, क्योंकि आप इस इक्वेशन से समझ जाएंगे कि जितना पहला मास राइट में जा रहा है उतना ही दूसरा मास लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों मासेस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। अगर ये मासेस एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, और इनिशियली हाल ये दोनों के दोनों SHM तो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों SHM तो कर रहे हैं, पर सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये है बस ये पूरी कहानी का मतलब।
तो और डी इन्होंने ग्रेटर देन 2a बोल दिया, भाई ऑब्वियसली बात है कि ये अगर इधर ए तक जा रहा है, ये अगर इधर ए तक जा रहा है, तो जो टोटल लेंथ अपनी होनी चाहिए, ठीक है, जो टोटल लेंथ अपनी होनी चाहिए वो डी शुड बी ग्रेटर देन 2a होनी ही चाहिए, राइट। ठीक, फिर बोल रहा है कि पार्टिकल 3 ऑफ मास इज मूव्स टुवर्ड्स द सिस्टम विद स्पीड ए ओमेगा बाई 2, और वो पहले कहाँ से टकराया, टी नॉट इज इक्वल टू 0 पर टकराया। तो अगर टी नॉट इज इक्वल टू 0 पर टकराएगा x2 से, तो मैं x2 का फंक्शन मैंने यहाँ देख लिया और इसको खटाक से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसकी v2 में निकाल लेता हूँ कि v2 से फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो माइनस ए ओमेगा, ये हो गया बच्चों कॉस ओमेगा टी। तो टी इज इक्वल टू 0 पे अगर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो कितनी आ रही है आपको, माइनस ए ओमेगा। मतलब जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो जो थर्ड नंबर की बॉल है वो इधर जा रही होगी ए ओमेगा बाई 2 से, और जो सेकंड नंबर की बॉल है बच्चों वो इधर आ रही होगी कितने से, ए ओमेगा से। अब सवाल ने ये भी बोला है कि जो कोलिजन होगा इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन, मतलब खटाक से क्विक कोलिजन हो गया है और मासेस आइडेंटिकल है, कोलिजन इलास्टिक है, तो इसको सॉल्व ही नहीं करना आपको, बस सीधा सीधा क्या करना है, वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देना है। तो जब वेलोसिटीज को एक्सचेंज करोगे तो ये बन जाएगा ए ओमेगा बाई 2, अच्छा डायरेक्शन इधर आ जाएगा, और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का डायरेक्शन इधर आ जाएगा ए ओमेगा बाय 2। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन ये वेलोसिटी आपको इधर मिल गई है ए ओमेगा बाय 2, और इस इंस्टेंट पे जो पहला मास था वो खुद कितने से जा रहा था भाई, ए ओमेगा से जा रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो इनकी अपडेटेड हो गई वो क्या होगी, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन 2 में। ठीक है, सीधा आपने इसको सॉल्व कर दिया और आंसर क्या मिल गया, 3/4 ए ओमेगा। तो जो VCM बाय ए ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 3/4, एंड 3/4 वुड बी इक्वल टू 0.75। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा भाई, 0.75। सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें क्लैरिटी चीज़ों की होनी चाहिए कि अगर फंक्शन टाइम के साथ उसने दे दिया तो t इज इक्वल टू 0 पे चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही होंगी, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इधर उधर की यूज़ की हैं, पर सवाल में कुछ खास कैलकुलेशंस नहीं है इस पार्ट में। तो ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सेम चीज़ें हैं बट अब सवाल का जो टाइम है उन्होंने वो चेंज कर दिया कि पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक, अब पाई बाय 2 ओमेगा इन्होंने बोला है, तो इन्होंने बोला कि कोलिजन के बाद, भाई कोलिजन के पहले एम्पलीट्यूड इनका ए था, बट अब कोलिजन के बाद एम्पलीट्यूड दोनों मासेस का कितना हो गया है, बी हो गया है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में तो फ़र्क नहीं पड़ा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी वैसे भी यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, ये हो जाएगा के अपॉन एम बाय 2, रिड्यूस मास आपको यूज़ करना है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, 2k बाय एम आपको दिख जाएगा, राइट। तो इस टाइम पे पी पाई 2 ओमेगा पे इनकी वेलोसिटीज एक बार चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी। तो पी पाई 2 ओमेगा पे बच्चों इन दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी 0, इन दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी 0, क्योंकि ये अपने अपने एक्सट्रीम पे होंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर ये अपने एक्सट्रीम पे हैं टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा पे, इसका मतलब ये अगर यहाँ पे इसके नेचुरल लेंथ पे होता तो नेचुरल लेंथ से ये अंदर कितना घुसा हुआ है, ये अंदर ए अंदर है, और ये वाला भी अपनी नेचुरल लेंथ से अंदर कितना घुसा हुआ बच्चों, ए। तो इनकी वेलोसिटी 0 है, इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 नहीं है। इस टाइम पे स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन कितने का है, 2a का, समझ गए। ठीक, अब वापस ये बॉडी जो है इससे आके टकराई, और जैसे ही ये बॉडी बच्चों यहाँ पे आके टकराएगी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, तो वापस क्या हो जाएगा, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, तो v आ गया 0 और ये वेलोसिटी इधर मिल गई, इसकी तो 0 थी, पर ये मान के चलो कि ये अभी भी स्प्रिंग कैसी है, कंप्रेस्ड है, और कंप्रेस्ड कितने से है बच्चों, ये अब 2a से, ठीक है, 2a से कंप्रेस्ड है। तो जब ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगी, तो ये जब स्प्रिंग बच्चों एक्सपैंड होगी तो मैक्सिमम एक्सपांशन या मैक्सिमम कंप्रेशन अब कितना होना चाहिए इसका, ठीक है, ये होना चाहिए 2 times b, क्योंकि जैसे ही कोलिजन हुआ सिस्टम को नई एनर्जी मिली, नई एनर्जी मिली तो एम्पलीट्यूड सिस्टम का चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पर एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये बात करूँगा कि भाई इनिशियल कंप्रेशन कितना था, 2a, ठीक है, फाइनल कंप्रेशन कितना आ गया, 2b, जो इलांगेशन हमने स्प्रिंग का निकाला, इनिशियल इलांगेशन कितना है, 2a है, और मैक्सिमम इलांगेशन आफ्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2b हो जाएगा। तो बस सीधा सीधा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं,
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पहले वाले की तो जीरो है, प्लस दूसरे वाले की कितनी है? m बाई टू ए ओमेगा बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, k बाई टू टू ए का स्क्वायर. ठीक है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जाएंगी. तो अगर इस वाले केस में ये ए ओमेगा बाई टू से जा रहा है और ये जीरो से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ए ओमेगा बाई, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? ए ओमेगा बाई फोर. और अगर ए ओमेगा बाई फोर जो वेलोसिटी आपको मिल रही है सेंटर ऑफ मास की, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो आपको भी पता है कि दोनों जो हैं कितनी वेलोसिटी से जाते हुए दिखेंगे, वी सी एम की वेलोसिटी से जाते हुए दिख जाएंगे. तो इनके बीच में जो मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? नेचुरल लेंथ प्लस टू बी. ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेट कर दो तो ये बन जाएगा यहाँ पे k बाई टू टू बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और दोनों मास हैं 2m बाई टू और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा बाई फोर का होल स्क्वायर. ये हमने सीधा सीधा क्या कर दिया बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया है. ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हमने कर दिया है. ठीक, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन की एनर्जी. और ये कब की एनर्जी है? जब दोनों जो है मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए. राइट, इसको आप सॉल्व करने के लिए अब आप सोचेंगे मास को कैसे हटाएं. तो मास हटाने के लिए क्या दिया गया है कि के या फिर वो ओमेगा हमने निकाला था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू के बाई एम. तो एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर, टू के बराबर. तो यहाँ पे आप ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना. वैल्यू सब्सटीट्यूशन के बाद जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी बच्चों वो कुछ ऐसे मिल जाएगी. ठीक है, एम्पलीट्यूड मिलेगा रूट सेवन, नहीं हाँ, ये एम्पलीट्यूड होगा फोर बी स्क्वायर. ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, ये चीज़. ठीक, तो जो फोर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मिलेगा अपने को 17 बाई फोर. और जो 17 बाई फोर की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 4.25. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? 4.25. ये थोड़ा सा लेंदी था. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था. हालांकि इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं. आप स्प्रिंग को कट करके सेंटर मास पे चढ़ जाइए, वहाँ से भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. और भी इसके मल्टीपल तरीके हैं, बट ये एक मैंने सबसे सिंपल तरीका, बेसिक तरीका लिया है. ये कुछ बच्चों को लेंदी लग सकता है. ठीक, और भी तरीके हैं पर मैं उन तरीकों को यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा हूँ अभी. ठीक है, वो जितना मतलब मैकेनिक्स में आप जितना घुसते जाएंगे उतने दो तीन तरीके और यहाँ पे निकल जाएंगे. तो ओवरऑल जो पेपर टू की एनालिसिस है वो ये है कि इसमें कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन तो हमें नहीं दिखा है. ठीक है, एम्बिग्युटी कहीं नहीं है इस बार, ये एक चीज़ अच्छी हुई है. पेपर वन में भी नहीं है, पेपर टू में भी कोई एम्बिग्युटी नहीं है. पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा ईजी है क्योंकि कॉन्ट्रावर्शियल सवाल इस बार नहीं है. पर एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि पेपर ये वाला आसान नहीं था. पेपर वन और पेपर टू दिखने में बोल रहे होंगे, टीचर्स भी बोल रहे होंगे कि ईजी है, मॉडरेट था, टफ था, पर मेरे ख्याल से ये पेपर भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे साफ साफ आ भी जाते हैं, पर इस बार कोई भारी भरकम सवाल या कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला सवाल नहीं था. ज़्यादातर सवाल क्लास नोट्स में या फिर आपके टीचर्स के नोट्स में या मॉड्यूल के में आपको मिल जाएंगे. तो बहुत ही बेसिक सा था, पर हाँ पेपर टफ ज़रूर था. ठीक है, पेपर टफ था. सेकंड पेपर वाज रिलेटिवली टफर देन दी फर्स्ट पेपर. ठीक है, तो इसके साथ पेपर टू का फिजिक्स का डिस्कशन ख़त्म होता है. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जे एडवांस एग्ज़ाम. मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने जितनी मेहनत की है उसका पूरा पूरा फल आपको मिले और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन ले. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊँ तो पुण्य भी मिलता है. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.